Hello everyone, I hope you are understanding and enjoying my videos. If it is so, then please like and subscribe my YouTube channel. Students, today we will read chapter 1 of Beehive, the fun they had. Before telling you the whole explanation, let me tell you something about the chapter, the fun they had. The story of this chapter is related to the future year 2157, where computers will play a major role. Mechanical or robotic teachers, you can say, will be there. And the books and notebooks which we know now will not exist at that time. Let's go through this picture. First point in this picture is learning through computers. It simply means that in future there will be no personal touch of teaching. All the teaching, all the learning will be through computers only. Virtual classroom. As now you study in classrooms, in future there will be no classrooms in which students will study, but virtual classrooms will be there, where learning will be through computers or the internet. Next is moving e-text. It means that in future books, notebooks will not be there, but moving e-text will be there. Means anything or everything will be shown on the screen. Robotic teacher, or you can say mechanical teacher, will be there instead of human being or human teacher. So robotic teachers will teach you in future year 2157. Margie even wrote about it that night in her diary. Margie ne us raat iske bare mein apni diary mein bhi likha, on the page headed 17 May 2157. उस पेज पर जिस पे डेट डली हुई थी 17 मई 2157, शी रोट, उसने लिखा, टुडे, आज टॉमी फाउंड अ रियल बुक. रियल बुक मीन्स प्रिंटेड बुक. आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक. ये एक बहुत पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर, मार्गी के ग्रैंडफादर ने कहा, वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब मार्गी के ग्रैंडफादर एक छोटे लड़के थे, एक छोटा बच्चा था, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उन तो उनके भी दादाजी ने उन्हें बताया, दैट देयर वाज अ टाइम, कि एक समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी जो कहानियां होती थी वो सब एक पेपर पर छपी होती थी. दे टर्न द पेजेस, वो पेजेस को पलटते थे, मोड़ते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि येलो पीले होते थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली मीन्स जब हम पेजेस को बार बार फोल्ड करते हैं तो उस पर लाइन आ जाती है, दरारें आ जाती हैं पेजेस पर, दैट मीन्स क्रिंकली. Crinkly with many folds or lines. And it was awfully funny to read words. उन words को पढ़ना बहुत actually funny feel होता था. That stood still instead of moving. जो कि एक जगह still रहते थे, fixed रहते थे, हिलने की बजाय. The way they were supposed to. जैसा कि उन्हें हिलना चाहिए था. On a screen, वो हिलते हैं TV screen पर. You know, तुम जानते हो. And then when they turned back to the page before, और जब वो वापस पिछले पेज पर पलटते हैं, मोड़ते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, तो उसके ऊपर वही सेम वर्ड्स रहते हैं, दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जो कि उन्होंने पहले पढ़े थे, वही सेम वर्ड्स दोबारा फिर भी उसी पेज पर रहते हैं. छी सैड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट, टॉमी ने कहा कि क्या बेकार की बात है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक, जब तुम बुक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम उसे फेंक देते हो. आई गेस ऐसा मेरा मानना है. आर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट. हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है जिसपे हम पढ़ते हैं, उस पर मिलियन, करोड़ों की संख्या में किताबें हैं. एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये अच्छा है कि इसमें और भी ज्यादा आ सकती हैं, कि जितने ज्यादा लोग उसको पढ़ेंगे उनके लिए ये सफिशिएंट होती हैं. आई वोंट थ्रो इट अवे, मैं इसे फेंकूंगा नहीं. सेम विद माइन, ऐसा ही मेरे साथ है, सैड मार्गी, या ऐसा मेरा भी मानना है, मार्गी ने कहा. शी वॉज 11, वो 11 साल की थी, एंड हैडन्ट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, कि उसने अभी इतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी की टॉमी ने देखी थी. ही वॉज 13, वो कितने साल का था, 13 साल का. शी सैड, वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा, ये बुक जो रियल बुक है ये तुम्हें कहां से मिली.
इन माई हाउस, मेरे मकान में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने इशारा करते हुए, बिना देखे इशारा करते हुए बोला. बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था. इन द एटिक, एटिक में, एटिक इज अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ, और यू कैन से द प्लेस वेयर विच इज यूज एज अ स्टोर रूम. वट इट्स इट अबाउट, कि ये जो बुक है ये किस बारे में है. स्कूल, किस बारे में थी वो किताबें, किताब स्कूल के बारे में. मार्की वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मीन्स हेटेड. मार्की जो थी, और यू कैन से शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. मार्की जो थी वो बहुत नफरत से उसने कहा, स्कूल, वॉट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने जैसा क्या है. आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है. मार्की ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्की शुरू से ही स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. जो मैकेनिकल टीचर, जो कंप्यूटर, जो रोबोटिक टीचर था, वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था इन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और जो उसकी परफॉर्मेंस थी, जो उसका काम था, वो बेकार, दिन पे दिन बेकार हुआ जा रहा था. अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, कि फाइनली उसकी माँ ने सोरोफुली दुख से उसका सिर हिलाया. एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लिया. काउंटी इंस्पेक्टर मीन्स अ पर्सन हु चेक्स एंड रिपेयर्स द मैकेनिकल टीचर. ही वॉज अ राउंड, काउंटी इंस्पेक्टर की बात हो रही है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस. वो एक छोटी हाइट का एक गोल आदमी था जिसका कि रेड फेस था. एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके पास टूल्स का एक पूरा बॉक्स था जिसमें कि उसके औजार थे, तारें थी, डायल्स एंड वायर्स थे. ही स्माइल्ड एट मार्गी, उसने मार्गी की तरफ वो मुस्कुराया. एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एक सेब दिया. देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर जो टीचर था, जो उसका मैकेनिकल टीचर था, जो मशीन थी उसको खोला. मार्गी हैड हॉप्ड, मार्गी उम्मीद कर रही थी, ही वुंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. टुगेदर अगेन मतलब वो ये उम्मीद कर रही थी कि जो ये काउंटी इंस्पेक्टर है, जो ये पर्सन मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने के लिए आया है, कि उसे इसको जोड़ने का, इसको फिर से असेंबल करने का नहीं पता होगा. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो उसे ठीक करना जानता था. एंड और आफ्टर एन आर और सो, लगभग एक घंटे के बाद, देयर इट वॉज अगेन. देयर इट वॉज अगेन मतलब वो दोबारा से उसी पोजिशन में था. लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा, काला और अगली, विच इज नॉट ब्यूटिफुल. विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, एक बड़ी स्क्रीन वाला जिस पर सभी लेसन्स दिखाए गए थे. एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, प्रश्न पूछे जाते थे. दैट वॉज नॉट सो बैड, वो इतना बुरा नहीं था. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, वो पार्ट, वो हिस्सा जिससे मार्गी सबसे ज्यादा नफरत करती थी, वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क. वो हिस्सा था, वो पार्ट था, वो स्लॉट था जिसके अंदर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर जो होते थे वो डालने होते थे, असाइन करने होते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, वो सब काम उसे एक पंच कोड के अंदर करना होता था. दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, जो कि उसे सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी, कि कैसे अपने टेस्ट को, अपने होमवर्क को मशीन के अंदर एक पंच कोड की हेल्प से डालना है. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, क्योंकि वो मशीन थी मैकेनिकल टीचर, तो उसको जो टेस्ट के मार्क्स होते थे उनको कैलकुलेट करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, अपना काम खत्म करने के बाद जो इंस्पेक्टर था, जो रिपेयर करने वाला पर्सन था, उसने मार्गी के सिर को थपथपाया. ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी की मदर से कहा, इट्स नॉट द गर्ल्स फॉल्ट, ये लड़की की गलती नहीं है. मिसेस जॉन्स, मार्गी की मदर का नाम है मिसेस जॉन्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटल टू क्विक, जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी ज्यादा है. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी मशीन में हो जाता है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज
10 ईयर लेवल, कि मैंने इसकी स्पीड को कम कर दिया है किस लेवल तक, 10 साल के बच्चे की लेवल तक। एक्चुअली वास्तविकता में द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, कि जो उसकी पढ़ाई की टोटल प्रोग्रेस है, जो कितना वो आगे बढ़ रही है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, दोबारा से उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वो उम्मीद कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो टीचर को, जो काउंटी इंस्पेक्टर आए थे मशीन को चेक करने के लिए, वो उस मशीन को, उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ही ले जाएंगे। दे हैड वॉन्स टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, कि पहले एक बार वो टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए ले गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो उसका हिस्ट्री का सेक्शन था वो बिल्कुल खाली हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी को कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि स्कूल के बारे में कोई क्यों लिखना चाहेगा। सो स्टूडेंट्स, द होल चैप्टर इज डिवाइडेड इंटू 10 पॉइंट्स एंड टूडे आई एक्सप्लेन 5 पॉइंट्स। वॉच द वीडियो केयरफुली। थैंक यू।